ये है खदान जाने का मेन गेट, और इस रास्ते से हम जा रहे हैं खदान के अंदर। तो चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं अंदर का। सो फ्रेंड, अब फाइनली हम जा रहे हैं, देख सकते हैं हमें लाइट और बैटरी की व्यवस्था दी गई है हमें जाने के लिए। और जाने के लिए एक बात करें आपको कि यहाँ से परमिशन आपको लेना पड़ता है, और आपको लिखित देना होगा कि हाँ हम खदान के अंदर जा रहे हैं, अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी हमें खुद लेनी होगी। तो इस प्रकार से अब हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा अंदर का, एक्सप्लोर कराते हैं कि अंदर में कैसे लोग काम करते हैं इसे। और देखिए रास्ता है, जा रहे हैं हम इस रास्ते से, जैसे कि हमने लाइट लगा लिया है और अंदर में अंधेरा बहुत काफ़ी है, लेकिन देखते हैं। और आपको बता दूं आपको कि खदान के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे चारों तरफ आपको लाइट बहुत कम नज़र आएंगे, और आपके पास जो लाइट है उसी लाइट से आप जा सकते हैं अंदर। तो चलिए वीडियो के आगे बने रहिएगा, देखिएगा आगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और देख सकते हैं ऊपर में बिल्कुल जितना हम चल रहे हैं उसके ठीक सटे ऊपर में एकदम बिल्कुल खदान का ये है, और सब जगह मतलब व्यवस्था किया गया है कि किस तरह से वहाँ पे जाना है। सो और आपका रास्ता भी वहाँ पे इंडिकेट करने के लिए दिया गया है कि किस कैसे कैसे आपको जाना है सर लास्ट तक। और बता दें आपको कि ये लगभग हमें बताया गया कि लगभग कम से कम 6 से 7 किलोमीटर अंदर तक जाना पड़ता है, तब आप जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर जा सकते हैं आप। तो चलिए वीडियो में बने रहिए आप, और लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसा है। सो और आपको बता दूं कि यहाँ जाने के लिए परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें अपने आदमी हैं जो अपने जॉब करते हैं इसमें, इसलिए हमको जाने के लिए परमिशन मिला है। तो चलिए और आगे आप दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे, आप लोगों का बार बार कमेंट आता था कि खदान के अंदर का वीडियो दिखाइए, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वीडियो दिखाने का पूरा कोशिश करेंगे कि अंदर में कैसे क्या है से। और आगे आप चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है सो, और कैसा है सीन आगे का। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम जा रहे हैं खदान के अंदर, और जो लाइट लगी हुई है एक्का दुक्का लाइट कहीं कहीं, और डीसी लाइट लगी हुई है, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है इसमें, इसलिए कि शॉर्ट सर्किट का चांस होता है। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ फर्स्ट में आप एक देखिए काली मंदिर है, जो कि आने के बाद लोग यहाँ पर पूजा करके ही जाते हैं। चलिए आप आगे आपको दिखाते हैं, देखिए ये खदान का दीवार है, और लाइट की बहुत दिक्कत है यहाँ पे दोस्तों, लाइट समझ में नहीं आ रहा कैसे आएगा अंदर का। जो जो भी लोग जाते हैं वो अपना लाइट केवल लेके जाते हैं, और जितना लाइट का दूरी है बस उतना ही दिखाई देता है, आसपास में तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। कोशिश कर रहे हैं बहुत कि शायद लाइट मिल जाए कहीं पे, लेकिन जो एक एक इक्का दुक्का लाइट जो मिल रही है देखने को, उससे हमें नहीं लगता है कि इतना अच्छा हमारी क्वालिटी वीडियो में आ सकेगी। और देख सकते हैं इसे हम जा रहे हैं इस रास्ते से, और आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे वीडियो में, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है सो, अब क्या मिलने वाला है। तो और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक रास्ता बंद है वो, और इधर सीधा जाना है, और आगे आपको दिखाते हैं 7 किलोमीटर अंदर, बहुत मेहनत करने के बाद अंदर जा सकते हैं आप इसके अंदर। तो वीडियो में बने रहेंगे, और देखिए बीच बीच में कुछ न कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़ सकते हैं इसे, एक भूल ना करे नुकसान, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से, देखिए यहाँ पे जो बीच में दिया हुआ है सपोर्ट दिया हुआ है कि ऊपर से कुछ कोयला वाला गिरे नहीं। तो और लाइट देखते हैं ये लाइट हमें कहाँ कहाँ तक मिलती है सो, बहुत मेहनत करने के बाद हम चल रहे हैं इसमें, और 7-8 किलोमीटर कम दूरी नहीं होता है, और सब लोग जो काम करते हैं सबको इतना चलना होता है डेली आना जाना। तो बता दें आपको कि हर कोई आता जाता है इसी रास्ते से, और इस रास्ता सिर्फ आने जाने के लिए है,
और एक रास्ता जो होता है जो ट्रॉली आती जाती है जिससे कोयला निकाला जाता है, तो उसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है, तो आप देख सकते हैं उसको जा करके। और खदान के अंदर हवा की बात करें तो हवा इसमें बाहर बहुत बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, उसके द्वारा इसके अंदर हवा आता है। गर्मी का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा है। और आगे दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ से कितना दूर नज़र आ रहा है सो। और हर जगह पे कुछ न कुछ याद दिलाने के लिए लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। आपको दिखाने की पूरा कोशिश करते हैं। बार बार लोगों का कमेंट आ रहा था, उससे मैं परेशान हो गया था कि कैसे अंदर का खदान का वीडियो बनाएंगे। दोस्तों बता दें कि बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते हैं, या फिर आपका कोई अपना आदमी जॉब कर रहा है उसमें तभी आप जा सकते हैं उसमें। देखिए ये दीवार है इसका साइड का, और इस रास्ते से ही हम जा रहे हैं। रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बट जो पहले से खदान चल रहा था जो इधर आजू बाजू में था, जो भी बंद कर दिया गया है। अंदर जाने के लिए आपको जैसे जैसे जा रहा है लाइट दिखा हुआ है, उसे जाना है उस तरह से। और आपको दिखाते हैं, देखिए ऊपर जो बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट ऊपर से कुछ गिरे ना, इसलिए होल कर करके बोल्ट को एकदम फिक्स किया गया है कि ऊपर से कुछ गिरे नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर में। लाइट की बहुत दिक्कत है फ्रेंड्स, और क्या करूँ, मजबूरी है। आप यहाँ पर वीडियो ऐसे डायरेक्टली बना नहीं सकते हैं अपने कैमरे से, किसी तरह मतलब मुश्किल से वीडियो बना है। तो लाइट ले नहीं जा सकते हैं, दूसरा कोई और लाइट जो आपको लाइट मिला है वही लाइट लेकर जा सकते हैं आप। और यहाँ पे भी देखिए कुछ लिखा हुआ है, दिखाते हैं। और सभी लोग अंदर काम करने के लिए जाने के लिए कम से कम आपको, वही मैंने बताया आपको कि 7 से 8 किलोमीटर लोग बताते हैं चलना है, और हमें भी चलना है 7 से 8 किलोमीटर, उसके बाद ही अपने वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पे कोयला का लोडिंग होता है। और लाइट के बहुत दिक्कत है फ्रेंड्स। और देखिए ये हम अपने आगे का सीन कुछ दिखाते हैं इस तरह से। अपने फ्रंट लाइट अगर जलाते हैं तो वो भी नहीं काम करता है यहाँ पे, देखिए। और ये लाइट बैटरी हमें कंपनी की तरफ से दिया गया है कि आप अंदर आ जा कर के घूम सकते हो, घूम के आ सकते हो। हम कोशिश करते हैं फ्रेंड्स पूरा आपको कि दिखाने का कोशिश करेंगे आपको। और मैंने पानी ले लिया था थैले में, और क्योंकि अंदर में पानी का व्यवस्था नहीं है, पीने का जो भी जाते हैं सब अपना अपना पानी लेकर देखते निकल जाते हैं। और यहाँ से देखिए यहीं पे काम हो रहा है, यहीं पे काम होता है। और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, सब कुछ अपने अपने लाइट से काम करते हैं। और जो अंदर जो कोयला लोड कर, नीचे नीचे रास्ता है और ऊपर कील लगा हुआ है, नट बोल्ट अगर लगेगा तो समझिए क्या होगा। सेफ्टी के लिए टोपी पहने हुए लोग ना, इसलिए छोटा छोटा पत्थर गिरेगा क्या, और जहाँ तहाँ ऊंचा भी है कहीं कहीं नीचा भी है। बहुत मेहनत लेकिन काम करने में, यहाँ पे लोग कहते हैं ना बीसीसीएल नौकरी है, नौकरी है। अरे भाई नौकरी है क्या है, कितना मेहनत है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए लोग को अंदर खाद में एकदम बिल्कुल अंदर चलना पड़ता है, और पता नहीं भगवान जाने कब क्या होगा। नहीं भगवान का समझ लेंगे, मुंह से निकल रहा है और क्या, केवल सुस्ते ना। हाँ हाँ, इससे इसी से निकले आए थे। और ये ऊपर ये उजला उजला कौन सी है, हाँ उजला उजला ये चूना मारा हुआ है ना, वो चूना मारा हुआ है। हाँ चलिए पचा मार दिया कि यहाँ तक चल दिया है, रास्ता है ये रास्ता है अंदर, लेकिन बिल्कुल ऐसे जैसा लगता है का लग रहा जैसे ऐसे में खाली गर्म फेस गरम है, केवल जो फेस जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ केवल गरम लगता है ना, नहीं लग रहा था गरम लग रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पर क्यों नहीं हवा जाता है, मशीन है ढेर सारा,
वहाँ पर खावल मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल खड़ा चढ़ना पड़ता है ऊपर ना, उतरने के लिए तो आसान था, एकदम बिल्कुल आराम से उतर के आ रहे थे इसमें, और फिर उतर के चढ़ने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और लाइट की व्यवस्था तो उतना ही रहती है का, यहाँ से लाइट दिया गया है। इसी का नाम है जिंदगी। ये है खुला हुआ मशीन, कोई आ रहा है। इतना चढ़ाई है कि हालत खराब हो जाएगा, लेकिन लोग इसमें रोज जाते हैं का, रोज आते जाते हैं इसमें, 300 दिन आना जाना इसमें, और तीन टाइम ड्यूटी चलता है इसमें लोगों का, नहीं 8-8 घंटे का 3 टाइम। अरे बाप, आराम से देखिए, आराम से ना तो तुरंत नीचे फिर वापस चले जाएंगे हम। नहीं, जिंदगी में सब देखना चाहिए लोगों को, सही बात नहीं। हाँ, मैं तो देख लिया है ना। हाँ, पता नहीं लोग कब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये जो लाइट ऊपर दिया हुआ है ना, बहुत काम का है। यहाँ से जहाँ तक लाइट दे दिया ना, ये बहुत अच्छा किया है। नहीं, रास्ते में लाइट है ना, रास्ते में लाइट है, और चढ़ना पड़ रहा है, बहुत चढ़ना पड़ रहा है ना, एकदम इसका फेस जो है एकदम बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एकदम भेज दीजिएगा, बना रहा है ना। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन हमारा आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।